दोस्तों घासपू समझे जाने वाले एक ऐसे पौधा के बारे में आज मैं आप लोगों को ज्ञान भरी जानकारी बताने जा रहा हूं दोस्तों जिसके फायदा जानने के बाद आप अभी इस पौधे का सम्मान करना शुरू कर देंगे दोस्तों मैं जिस पौधे की बात आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं ये बहुत ही दिव्य एवं तांत्रिक पौधा है आयुर्वेद का तो इसे खजाना कहा जाता है और इस पौधे को देवी पद मिला है दोस्तों ये सभी पेड़ पौधे की जितने भी जड़ी बूटी है ये सबका देवी कहे जाते हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों को सहदेवी नाम के पौधा का दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा फूटा किस्मत वाला होगा और दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति होगा जो आज की यह वीडियो मिस करके जाएगा क्योंकि दोस्तों सहदेवी नाम के पौधे की जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा धार्मिक प्रयोग बताऊंगा यह प्रयोग आपको रंग से राजा बना देंगे और इतना ही नहीं आपके जीवन की हर एक परेशानी को आप जीवन में जब भी कष्ट से जूझेंगे उसमें जो ज्ञान बता रहा हूं ये ज्ञान हमेशा काम आएंगे दोस्तों ये पौधा हर जगह लगभग ये हर जगह मिल जाता है किंतु ये बालू वाली जो मिट्टी है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूं इस पौधे की तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं इस पौधे की धार्मिक प्रयोग भी बताने जा रहा हूं यह प्रयोग यह जानकारी आप किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना शायद अगर आज आप ये वीडियो देखे रहेंगे कल को भूल जाएंगे पेन कॉपी में जानकारी नोट करके रखेंगे तो यह जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे चलिए मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं फिर मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा दोस्तों अगर आप भी भारत माता से सच्चे प्रेम करते हैं तो इस प्रकार की जड़ी बूटी को कभी भी समाप्त मत होने देना और ऐसे ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि इस प्रकार की जड़ी बूटी आप और भी लगाएं इनकी संख्या को बढ़ाएं दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और इस प्रकार की पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत माता की गर्भ में हैं भारत माता की भूमि में हैं दोस्तों इस पेड़ पौधे से आप असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं देखिए जड़ी बूटी फ्री का चीज होता है अब मेडिकल में जाते हैं लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती और पेड़ पौधे से फ्री में हुआ बीमारी चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं आज मैं आप लोगों को ऐसे गुप्त बीमारी को ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा तो चले दोस्तों बारी बारी से जान लेते हैं इसकी दुर्लभ एवं चमत्कारी प्रयोग को वीडियो में आगे बने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का चैनल है आप वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं आप सभी लोगों को कर्तव्य भी बनता है कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी आप भारत भूमि के हर कस्बों में हर गांव में फैलाए जिस प्रकार हम YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी बताते हैं आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जनहित एवं जन कल्याण के लिए शेयर जरूर करना तो दोस्तों जो लोग अति सार से ग्रस्त रहते हैं अर्थात पेचिस से जो लोग बार बार दस्त जा रहे हैं और डॉक्टरी दवा भी करें कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेडिकल के आसपास में नहीं होते हॉस्पिटल के आसपास में नहीं हो पाते हैं, और ग्रामीण इलाकों में फंस जाते हैं या फिर जंगली क्षेत्रों में फंस जाता है तो इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आते हैं तो दोस्तों जो लोग अति सार से बहुत ही पीड़ित हैं बार बार दस्त हो रही परेशान हो गए कोई दवा काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोगों की आप जान बचाना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना इस सहदेवी पौधे की जड़ को सात टुकड़े में आपको काट लेना है कितने टुकड़े में काटना है सात टुकड़े में काट लेना है और एक लाल धागे के सहारे आपको कमर में बांध देना है लाल धागा ना मिल पाए तो उस स्थान पे आप एक काम करना जो भी धागा मिल जाए या रस्सी मिल जाए उसमें आपको ये सात आपने जो टुकड़े करके रखे इसे आपको कमर में बांध देना है। बिल्कुल ही बांधते ही पंद्रह मिनट के अंदर में अति रुक जाएंगे दस्त रुक जाएंगे जबरदस्त पावरफुल इसका गुप्त मैं प्रयोग बता रहा हूं यह प्रयोग आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले आप लोग हमें अपना गुरु मानते हैं इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे से अच्छे जानकारी बताएं यह बीडो हालांकि आज थोड़ा बड़े बन जाए लेकिन इसका जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं ध्यान से सुनना बीडो को मिस मत करना दोस्तों ऐसा भी बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि इसके जड़ी से धन की वृद्धि होती है जैसे होली है दीपावली है इसके एक दिन पूर्व इसके जड़ को अभिमंत्रित करके लाना होता है अभिमंत्रित कैसे किया जाता है बिड़ो के आखिरी में भी बताऊंगा इसके बाद अभिमंत्रित करके लाना होता है और इसे लाल कलर के वस्त्र में लपेट करके घर की तिजोरी है व्यापार है गल्ले हैं इसमें रखना होता है तो यह धन में तेजी से वृद्धि करने का काम करता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ को रसोई भंडार में रखने से इस पौधे की जड़ को रसोई भंडार की अनाज में रखने से कभी अनाज खंगता नहीं है प्राचीन समय के लोग अपने रसोई घर की अनाज की भंडार में इसा, इसे जो है रखा करते थे और ये कभी ये खंगता भी नहीं है रखने से बिल्कुल ही किसी न किसी माध्यम से आपके घर में अनाज को बढ़ाए रखने का काम करता है दोस्तों जो लोग लंबे समय से बुखार से पीड़ित होते हैं ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोगों को टाइफाइड हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को काफी तेज वाला बुखार आता है और डाक्टरी दवा भी काम नहीं करती डाक्टरी दवा तो बुखार ठीक करने में कम से कम आधा घंटे का समय ले लेता है लेकिन दोस्तों आपने डाक्टरी दवा काफी कर चुके हैं लेकिन इसके बाद भी बुखार ठीक नहीं हो पा टाइफाइड हो जाते हैं मलेरिया हो जाते हैं तो एक काम जरूर करना इस पौधे की जड़ को इस पौधे की जड़ को निमंत्रण दे करके लाना है किसी भी दिन ला सकते बुखार है इसमें कोई बंधन नहीं है इसके बाद इसे आपको अपने मस्तक पे से लगाना होता है बांधना होता है आप इसे अपने मस्तक पे इस जड़ को कपड़े के सारे बांध करके रखें या फिर आप जो हैं जहां पे आपके शयन कक्ष अच्छा है जिस बेड पे आप आप सोते हैं वहां पे तकिए के नीचे में इसके जड़ को रख देना और अब सिरहाने के नीचे में आपको रखना और सो जाना है पंद्रह मिनट के भीतर में आपके कैसा भी बुखार हो बुखार को उतार फेंकेगा इसके बाद दोस्तों जो माता बहने जिनको प्रसव में विलंब हो रही है ऐसा होता है ना कि माता बहनें जो गर्भ रहती हैं गर्भवती होती हैं और प्रसव के समय में काफी विलंब होती हैं और ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि ऑपरेशन करने के लायक हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि अब को पुण्य मिले जो माता बहने जो प्रसव में जिनको विलंब हो रहे हैं गर्भ से बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं तो समाज कल्याण के लिए ये उपाय जरूर करवा देना दोस्तों आपको भी पुण्य मिलेगा क्या करना होता है कि इसके जड़ को लाल कलर की रस्सी में बांध करके जो माता बहने हैं जिनको प्रसव में विलंब हो रही उसे पहना देना बिल्कुल ही बच्चे पंद्रह मिनट के भीतर में पंद्रह से बीस मिनट के भीतर में बच्चे गर्भ से बाहर आ जाते हैं इसके बाद तत्काल इसके जड़ को निकाल करके जल में विसर्जित कर देना जैसे ही बच्चे गर्भ से बाहर आएंगे तत्काल इसके जड़ को विसर्जित कर देना है अन्यथा अगर आप बंधे रखने देंगे कमर में तो दोस्तों गर्भ नाल को भी बाहर निकाल देता है इस बात का विशेष ध्यान रखना यह सावधानी है जो लोग लंबे समय से बीमार हैं कोई डांकटी दवा काम नहीं कर रहे हैं चाहे आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो छोटे बच्चे हो किसी को नजर दोष लग गए तंत्र बाधा लग गए हैं स्वास्थ्य ऐसा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो कमर में इसके जड़ को बांधने से स्वास्थ्य काफी जल्दी ठीक होने लगता है या फिर यह काम करना इसके जड़ को आप पहन सकते हैं बिल्कुल ही स्वास्थ्य में सुधार आता लाभ मिलता है दोस्तों बहुत से लोग अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं जिनको अच्छी सी रात में नींद नहीं आती या फिर जो लोग रात भर जागते हैं नींद नहीं आती उल्लू के जैसा जागते हैं ऐसे लोग एग्जाम एक, एक काम जरूर करें नींद की गोली नहीं खाना है नींद की गोली खाते हैं तो आपकी सेहत को बर्बाद कर देंगे और इसके आप आदि भी हो जाएंगे इसके नशे लग जाएंगे लत पड़ जाएंगे तो इसके पौधे को इसके पौधे को तकिया के नीचे रखने से इसके पौधे ले आइए और गमले में आप जो है लगा लीजिए और इसके पौधे को जब आपको सोना हो तो आपको अपने बेड के नीचे सिहराने के पास में रख देना है दोस्तों केवल दस मिनट लगेंगे अब को अच्छे गहरी नींद आ जाएंगे दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसके पौधे को गमले में लगा करके घर में अगर रखा जाए तो घर में सुख शांति स्थिरता का वास होता है अगर आपके घर में किसी ने काली विद्या कर दी है मैली विद्या का प्रयोग कर दिए हैं ये फिर घर में नकारात्मक शक्ति है पिशाच शक्ति है भूत प्रेत इत्यादि जो काली मैली विद्या कहे गए हैं अगर आइए आपके घर में है तो यह पौधा अगर आप गमले में अपने घर में लगा करके रखते हैं तो यह सबको खींच लेता है अपने अंदर में खींच लेता है और भस्मा कर देता है इसका नाम ही है शाहवी देवी। इससे देवी पद मिला ये पौधे जहां भी रहे लोगों की तरक्की कराते हैं काली विद्या इसके समीप में भी नहीं आते भस्मा हो जाते हैं दोस्तों वशीकरण करने के लिए भी इसका अत्यधिक से अत्यधिक प्रयोग अत्यध किया जाता है इसके जड़ का तिलक लगाने से संपूर्ण वशीकरण करने का काम करता है जिससे आप नजर भर देख लोगे इसके जड़ का तिलक लगाने के बाद वो दास की तरह गुलाम की तरह आपके बात मानेंगे अगर आप चाहते हैं कि तीनों लोग आपसे मोहित हो जाएं, तीनों लोगों को मोहित करना चाहते हैं तो इसका एक प्रयोग आप जरूर करना दोस्तों लेकिन यह अधम कार्य केवल जनहित के लिए बता रहा हूं तो अपामार्ग की जड़ और लाजवंती की जड़ और इसके जड़ को पीस करके तिलक लगाने से आप तीनों लोग को मोहित कर सकते हैं तंत्र शास्त्र में ऐसा लिखे हैं दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसके पंचांग को पान में खिला देने से वशीकरण करने का काम करता है आप जिसे खिला देंगे वो आपके बस में हो जाएंगे इसी के साथ दोस्तों मैं इसका कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग और भी बता दूं जैसे कि खांसी ठीक करना है किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है और खांसी के कारण टीबी जैसे गंभीर बीमारी भी हो जाती है तो इसके जड़ को गले में पहनने से ध्यान से सुनिए अगर आपको भी फ्यूचर में जब खांसी हो जाए परेशान हो जाए डॉक्टरी दवा नहीं खाना तो इसके जड़ को गले में पहने लेना केवल दो दिन बस पहनना है तो ये गले की खांसी को जड़ से समाप्त कर देते हैं कंठ रोग हैं गले संबंधी रोग हैं उसे भी ये ठीक करने का काम करते हैं तो दोस्तों इस पौधे के बारे में जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताए हूं तांत्रिक प्रयोग बताए इसका धार्मिक महत्व बताए हूं यह जानकारी कैसा लगे कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हां आप जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी आप जो है जैसे मैं आप लोगों को भी जानकारी बता रहा हूं आप सभी लोगों की भला के लिए इस प्रकार की जानकारी सिखा रहा हूं आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप जो है आगे जरूर शेयर करें जनहित एवं जन कल्याण के लिए अपने घर वालों में अपने परिवार वालों में अपने रिश्तेदारों में अपने जनहित जितने भी जितने भी लोग हैं सभी के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें आपके एक शेयर दोस्तों किसी की जिंदगी को संवार सकता है तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और भारत माता का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता चमत्कार को लिए हुए हैं तो दोस्तों बस आज की जानकारी बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार